बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एफएससी चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मींस डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास टू सिचुएशन आ रही थी जब आपके पास सिग्मा नॉन और अननोन हो रहा था। अब आपके पास क्या है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने मालूम करना है फॉर द प्रोमोशन के लिए, प्रोपोर्शन के लिए। अब स्टूडेंट, प्रोपोर्शन और मींस में, म्यू में क्या फ़र्क था? देखिए, फार्मूला हमारे पास सेम था, सिर्फ और सिर्फ जहाँ मीन था उसकी जगह हमने प्रोपोर्शन यूज़ करना है। इट्स मीन कि आपके पास जो सिंपल फार्मूला था एक्स बार जी अल्फ़ा बाय टू सिग्मा अंडर रूट एन, आपके पास था वैल्यूज़। अब क्योंकि प्रोपोर्शन की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पी प्लस माइनस जी अल्फा बाय टू सिग्मा की जगह पी क्यू एन अंडर रूट एन आ गया। अब आपको पता है कि बाइनोमियल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो हम शो करते हैं पी के साथ, एंड आपके पास जो सिग्मा होता है वो हम किससे, पी क्यू से शो कर रहे होते हैं। अब जो क्यू है, अगर आपको पी गिवन होगा तो क्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो, वो आपके पास वन माइनस पी होता है। और एन आपके पास क्या होता है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे होते, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको क्या गिवन है। बाकी आपके पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम रहता है। अब स्टूडेंट, आप अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी फार्मूला ज़रा सा डिफरेंट हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम क्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो फार्मूला आपका डिफरेंट नहीं होता, फार्मूला आपका सेम रहता है, पी प्लस माइनस जी अल्फा बाय टू एंड पी। अगर मैं क्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ वन माइनस पी डिवाइड बाई एन, तो आपके पास जो फार्मूला है अगर वो चेंज नहीं होता, दे आर द सेम फार्मूला, तो ये हमारे पास सेम फार्मूला होंगे, इसमें कोई आपके पास डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको पी की वैल्यू गिवन है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। और इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल हैं स्टूडेंट, वो मैंने करवाई हुई है। कॉन्फिडेंस इंटरवल की जब भी बात आती है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन होता है कि हमें दो लिमिट्स आ जाती हैं, दो कॉन्फिडेंस इंटरवल आते हैं, दो रेंज ऑफ द वैल्यूज़ हमें गिवन हो जाती हैं जिसमें हमें यकीन होता है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाइक आ रही है। अब हमारे पास कौन सी होती है, एक हमारे पास होता है लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, एक आपके पास होता है अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल, बेशक वो मीन के लिए या प्रोपोर्शन के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट, अगर तो लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो इट्स मीन वो माइनस की टर्म है, ठीक है, माइनस जी अल्फा बाय टू एंड पी वन माइनस पी डिवाइड बाय एन, या आपके पास लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसी तरह अगर आप अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल देखते हो तो वो पी प्लस माइनस, सॉरी, प्लस जी अल्फा बाय टू एंड पी वन माइनस पी एन डिवाइड बाय एन। अब ये टू कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको गिवन दे दिए जाते हैं जिसमें आपको पता होता है कि ये लोअर लिमिट्स को शो कर रहा है, वो अपर लिमिट्स को शो कर रहा है। अब स्टूडेंट, समटाइम्स केस ऐसे होता है कि यहाँ हमारे पास पॉपुलेशन गिवन होती है ओनली वन, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको वन पॉपुलेशन नहीं गिवन होती, आपके पास दो पॉपुलेशन होती हैं। जब दो पॉपुलेशन आ जाती हैं तो हम मालूम करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। अब डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड करना स्टूडेंट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग इतनी लानी है कि आपके पास अब जो मीन्स आ गए हैं, जो सिग्मा आ गए हैं, वो दो पॉपुलेशन के आ गए। अगर यहाँ एक पॉपुलेशन थी तो हमारे पास वन था, टू पॉपुलेशन आ जाएगी तो पी वन माइनस पी टू हो जाएगा, क्योंकि टू पॉपुलेशन हैं, ये पॉपुलेशन वन में से है, ये पॉपुलेशन टू में से लिया। इस तरह प्लस माइनस जी अल्फा बाय टू। अब स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारे पास पॉपुलेशन वन में से है और ये हमारे पास पॉपुलेशन सेकंड टू पॉपुलेशन में से है, तो बस ये आपके पास फार्मूला बन जाता है कि मैन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के लिए जो है वो फार्मूला आपके पास आपको अवेलेबल हो जाता है। अब स्टूडेंट, अगर इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख दूं तो ये भी रॉन्ग नहीं है, ये सेम फार्मूला है, इस वजह से आपने इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पी वन वन माइनस पी वन एन वन प्लस पी टू वन माइनस पी टू एन एन टू, ये भी आपके पास सेम फार्मूला है, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। और प्रोपोर्शन आपको ऑलरेडी गिवन होता है, प्रोपोर्शन आपको क्या गिवन होता है, पी वन अगर गिवन है तो एक्स वन डिवाइड बाई एन वन आपको गिवन होगा, एंड पी टू अगर गिवन है तो एक्स टू डिवाइड बाई एन टू गिवन होता है। और ये आपके पास क्या होते हैं, इंटरेस्टेड यूनिट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको फर्स्ट पॉपुलेशन में से गिवन होंगे, और जो सेकेंड होगा वो एक्स टू जो शो कर रहा होगा वो इंटरेस्टेड यूनिट्स इन द सेकेंड पॉपुलेशन, और एन टू जो है वो सेकेंड
इन पॉपुलेशन की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो कर रहा होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इनमें डिफरेंस पता चला होगा। मैं इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ। ये फार्मूला समझाने का मकसद ये है कि आपको डिफरेंस पता चले कि फार्मूलाज आपको मिक्सअप ना हो। फार्मूला ईजी है, अगर आपको एक फार्मूला आता है उसी से रिलेट करें तमाम फार्मूला, तो आपने फार्मूले याद रखने हैं। और आपने ये लेक्चर्स देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स मस्ट देखने हैं ताकि आपको एग्जाम्पल्स के साथ भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।